मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, विशेषकर मालवा निमाड़ क्षेत्र में। इंदौर उज्जैन संभाग के 8 जिलों जिनमें झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, रतलाम, धार और देवास शामिल है। धार जिले के कुक्षी में आज सुबह परखेड़ा डैम के सभी 10 गेट खोले गए। बीते 24 घंटों में क्षेत्र में 6.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसमें डैम का जलस्तर 262.40 मीटर तक पहुंच गया है। पानी की आवक बढ़ने के कारण सभी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल में भी मौसम का रुख बदला हुआ है। यहां सुबह से बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे रीवा, सीधी, शहडोल और अनूपपुर में धूप खिलने की संभावना है। तेज बारिश के कारण खरगोन जिले के मोगर गांव में एक निर्माणाधीन मंदिर की छत गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल हो गए। बारिश के चलते सोमवार को खरगोन जिले के सभी स्कूल बंद रहे। रतलाम में नदी में बाइक समेत 2 लोग बह गए, जिनकी तलाश जारी है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक VS यादव के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में तीव्र निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है और मानसून ट्रफ रायसेन और छिंदवाड़ा से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज चमक का दौर बना रहेगा। भोपाल के 3 डैम कलियासोत, केरवा और भदभदा के गेट खोल दिए गए हैं। तवा डैम के भी 3 गेट 4-4 फीट तक खोले गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य डैमों जैसे बाणसागर, कुंडालिया, बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर आदि में भी पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।